नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपका अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक की एक्सरसाइजेज करेंगे, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस समझेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंथ सीरीज का। और वो टॉपिक है फ्रेंड्स, फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर टेंस के जो फोर सब टेंस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो फोर सब टेंस हैं इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। इनके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे। यानी एक 1 आवर की क्लास ये लगभग होगी। और इस 1 आवर के अंदर हम पूरा टॉपिक, फोर के फोर टॉपिक्स को आज क्लियर करने वाले हैं। आपको करना क्या है कि एक तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस समय आप सिंगल माइंड डिवोशन के साथ होने चाहिए। यानी मल्टीटास्किंग ना करें, पूरा फोकस अपनी क्लास पर रखें। और अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप अपने साइड में एक नोटबुक रखें और वहां पे आप एक शॉर्ट नोट यानी अपने कोट्स में आप उस डाउट को नोट करें कि बाद में मुझे सर से ये डिस्कस करना है। और वीडियो के एंड में आप उन डाउट्स को एक बार फिर से ऑब्जर्व करें। और अगर पॉसिबल हो तो एक बार फिर से थोड़ा फास्ट स्पीड में वीडियो को वॉच करें। अगर 2 टाइम्स स्टडी करने के बाद भी इस पूरे लेसन को आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें फॉरवर्ड करें, हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्योंकि जिस क्लास के अंदर कंसंट्रेशन अच्छा रहता है स्टूडेंट्स का, उसका रिजल्ट ऑसम होता है। सो फ्रेंड्स, थिंक ऑसम, बी ऑसम। जब भी आप क्लास में हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सर से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स शेयर करेंगे, क्योंकि तभी मुझे मौका मिलता है आपके साथ कनेक्ट होने का, इंटरेक्ट होने का। मेरी ये कोशिश है कि ये क्लास पूरी तरह से इंटरेक्टिव हो, आप क्वेश्चन करें और आप ये फील करें कि सर आपके सामने हैं। और मैं भी पढ़ाते समय बिल्कुल ये रियलाइज करता हूं कि मेरी क्लास मेरे सामने है और मुझे बहुत मजा आता है आपको टीच करने में। बस मैं ये चाहता हूं कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस आपकी तरफ से हो। सो आई होप आप मेरी रिक्वायरमेंट समझे होंगे। आई नीड योर क्वेश्चंस। ओके, सो योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। कोई भी डाउट हो उसे फॉरवर्ड करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए अब सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ्यूचर टेंस का फर्स्ट सब टेंस, इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट के बारे में बहुत से माइक्रो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। और ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझा तो कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपके साथ ये टॉपिक शेयर करेंगे। सारे पॉइंट्स वन टू ऑल, जितने भी इससे रिलेटेड रूल्स हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिन फ्रेंड्स ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो उनको तुरंत मिले और वो इस सीरीज में हमारे साथ अच्छे से बने रहें और मैक्सिमम एडवांटेज इस क्लास का ले पाएं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम सपोर्ट करते हैं वो है विल और शैल। अब यहां पे आपको ये भी देखना है कि जब हम विल सेल का जजमेंट करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें विल लेना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें शेल सपोर्ट करना है, तो यहां पे हम सब्जेक्ट का नंबर चेक नहीं करते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पर मेन पॉइंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी आई या वी, अगर आई या वी में से है आपका सब्जेक्ट तो आपको सपोर्ट करना है शेल। आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ, यानी अदर्स में सभी आ गए, आई एंड वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको सपोर्ट करना है विल। तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ये रूल फॉलो हमें करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। यानी इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कभी कभी एक दूसरे को ब्रेक करते हैं। तो ये रूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको शैल का सपोर्ट आई एंड वी के साथ करना है, बाकी सभी के साथ विल का, ये जनरल कंडीशन है।
लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर धमकी यानी थ्रेट है, अर्जेंसी यानी अनिवार्यता का बोध है, तो ये रूल रिवर्स हो जाएगा। आई एंड वी का यूज होगा तो विल आएगा, और अगर सब्जेक्ट में बाकी और कोई वर्ड आएगा आई एंड वी से अलग तो आपको शैल लेना होगा। अब मैं एग्जाम्पल दे करके ये पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूं। डोंट वरी, हम फिर से अपने रूल्स को रिपीट करेंगे जिससे कि कोई भी डाउट अगर है तो वो क्लियर हो जाए। इसमें मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होता है? फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस मूवी के काफी चर्चे हैं और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखने वाला हूं। मैं भी देखना चाहता हूं आखिर ये मूवी इतना ज्यादा अटेंशन क्यों ले रही है, पब्लिक अटेंशन क्यों ले रही है। चलिए वो मूवी की बात है, जब मूवी देखेंगे तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम द कश्मीर फाइल्स देखेंगे, ये हमारे सामने एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है एस वी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? द कश्मीर फाइल्स। और इसमें वर्ब क्या है? देखेंगे। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रूट सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में एस ओ वी ये चेक जरूर करें। जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को स्पॉट कर लेंगे तो आगे सेंटेंस आपके लिए काफी सिंपल हो जाता है। अब ये सेंटेंस क्योंकि अफर्मेटिव है तो हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट करना होगा अफर्मेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी वी। अब हमारा स्ट्रक्चर बताता है कि सब्जेक्ट के बाद आप विल शैल को पिक करिए कि विल लेना है या शैल। तो जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था आई एंड वी के साथ शैल लेना है तो हमें वी के साथ क्या पुट करना है? शैल। वी शैल, SHALL, वी शैल देखेंगे वॉच, WATCH, वॉच। वॉच वर्ब भी है और वॉच वर्ड कभी कुछ सेंटेंसेज में नाउन भी हो सकता है। जब ये नाउन के फॉर्मेशन में होगा तो वॉच का मीनिंग क्या रहेगा? घड़ी। लेकिन जब एज ए वर्ब आ रहा होगा तो इसका सेंस क्या होगा? देखना। तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, अलग अलग सेंटेंसेज में। वी शैल वॉच। अब हम यहां तक सेंटेंस को ले पाए हैं। अब क्या लेना है? ऑब्जेक्ट द कश्मीर फाइल्स, KASHMIR, कश्मीर फाइल्स, FILES। जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन ले रहे होते हैं सेंटेंस में, अभी जैसे हमने द कश्मीर फाइल्स, ये एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर मूवी का नेम है, तो ऐसे में उसमें आने वाले सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। अब ये कौन सा चैप्टर आ गया? पंक्चुएशन। ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए उसमें पंक्चुएशन रहेगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए ग्रामर का, उसमें आपका कनेक्शन वर्ब से होगा। तो ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। वी शैल वॉच द कश्मीर फाइल्स, ये ट्रांसलेशन हो गया इस सेंटेंस का, जो हिंदी सेंटेंस है हम द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। तो ये नॉर्मल सेंटेंस था इसलिए हमने वी के साथ शैल सपोर्ट किया। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम द कश्मीर फाइल्स जरूर देखेंगे, अवश्य देखेंगे, निश्चित ही देखेंगे। तो ऐसे वर्ड्स अगर हम सपोर्ट करते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है? एक अर्जेंसी की कैटेगरी में पहुंच जाता है, एक कमिटमेंट शो होता है इससे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सेंटेंस के अंदर अगर अर्जेंसी शो हो रहा है, अनिवार्यता का बोध हो रहा है, तो ये रूल फिर रिवर्स हो जाएगा। आई एंड वी के साथ फिर आपको क्या लेना होगा? विल। और अदर्स के साथ शैल। तो अगर ये सेंटेंस होता है हम द कश्मीर फाइल्स अवश्य देखेंगे, जरूर देखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी, और जहां शैल लिया है आपने इसको रिप्लेस करेंगे और आप क्या लेंगे? विल।
वी विल वॉच द कश्मीर फाइल्स। तो ये जो वर्ड अभी हम यूज कर रहे थे अवश्य जरूर, उसकी अलग से कोई आपको इंग्लिश वर्ड नहीं लेना है उसके लिए, ये विल करने से यहां पे वो हिंदी वर्ड सपोर्ट हो जाएगा। वी विल वॉच द कश्मीर फाइल्स, इसका हिंदी वर्जन क्या होगा, हम कश्मीर फाइल्स जरूर देखेंगे। तो इस तरीके से ये रूल आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्ट्रक्चर्स को जरा डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया अपना रूट स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है यानी अफर्मेटिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसी के बेस पर बाकी ये जो फाइव स्ट्रक्चर्स हैं ये डेवलप होते हैं, इसलिए इसको हमने रूट स्ट्रक्चर बोला। अब रूट स्ट्रक्चर के बाद हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर सेंटेंस होता हम द कश्मीर फाइल्स नहीं देखेंगे तो इंग्लिश क्या होती, वी शैल नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। ये जो हमने बॉक्स में किया है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे। जो भी चेंजेज आएंगे वो बॉक्स से बाहर वाले पार्ट में आएंगे। तो वी शैल नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आई वन पर। आई वन यानी वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। सपोज आपका सेंटेंस होता क्या हम द कश्मीर फाइल्स देखेंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता, शैल वी वॉच द कश्मीर फाइल्स। अब अगर मोड होता हमारा आई वन एन, यानी क्या भी होता और नहीं भी होता सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल क्या हम द कश्मीर फाइल्स नहीं देखेंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता, शैल वी नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। अब अगर बाय द वे सेंटेंस होता हमारा आई टू मोड में, आई टू मोड कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो हिंदी सेंटेंस जिनके मिडल में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम द कश्मीर फाइल्स कब देखेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन शैल वी वॉच द कश्मीर फाइल्स। अब है लास्ट आई टू एन, आई टू एन मोड में अगर सेंटेंस होता तो कैसा होता, क्या होता है इसमें, इसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड भी आता है और नहीं भी आता है। हम द कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं देखेंगे, तो इसका जो ट्रांसलेशन रहेगा उसमें आपको ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, व्हाई शैल वी नॉट, व्हाई शैल वी नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स। तो इस तरीके से हम, बहुत सिंपल है ये, अगर हम एक बार स्ट्रक्चर्स को सही से समझ पाए तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी ऐसे हिंदी स्टेटमेंट को जिसको हमें ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा रिवीजन। लेकिन अगर कोई डाउट बाय द वे आ भी रहा है माइंड में तो आप उसे शेयर करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जस्ट वेट। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंस होंगे, फ्यूचर के अंदर एक्शन कंटिन्यूअस मोड में होगा यानी प्रोग्रेसिव मोड में होगा, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये स्पेलिंग गलत देते हैं जब भी उनसे पूछा जाता है, तो आप कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग पर थोड़ा फोकस करें, सी ओ एन टी आई कॉन्टिन्यूअस, एन यू ओ यू एस कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसमें एक्शन फिनिश नहीं हुआ होगा फ्यूचर में और वो रनिंग मोड में होगा, प्रोग्रेसिव मोड में होगा। आप हमारा एग्जाम्पल स्टेटमेंट देख सकते हैं, सॉरी, पुतिन अखबार पढ़ रहे होंगे। पुतिन, हु इज पुतिन, भाई साहब रसिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने ही तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है इस समय, बेचारे यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं,
बहुत बुरा हाल है, आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। तो पुतिन कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। तो जैसा कि हमारा स्लोगन है, आपको पता ही है, हमारी पंचलाइन है इंग्लिश के साथ जीके फ्री, तो थोड़ा बहुत डोज आपको जीके की मिलती रहेगी, जिससे कि इंग्लिश में आप बोर ना हो। वैसे इंग्लिश अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी। तो पुतिन अखबार पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जज करना है? SVO, इसमें सब्जेक्ट क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट पुतिन। वर्ब क्या है? पढ़ रहे होंगे। और इसमें ओ फॉर ऑब्जेक्ट क्या है? अखबार। इसका मोड क्या है? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और ना ही इसमें नहीं शब्द का यूज हो रहा है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब कौन सी आती हैं? इसमें वर्ब यूज होती है इंडेफिनिट की तरह, इसमें भी विल और शैल का यूज होता है, लेकिन इसमें विल शैल के साथ आपको बी सपोर्ट करना होता है, बी। बाकी रूल्स वही है जिस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर जज कर रहे थे कि हमें विल लेना चाहिए या शैल लेना चाहिए, वही रूल्स पूरे फ्यूचर में अप्लाई होंगे। विल शैल को लेकर आई एंड वी के साथ नॉर्मली शैल, अदर्स, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल सपोर्ट करना है। मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? मैन वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम और क्या बोल सकते हैं? फोर्थ फॉर्म। ओके, तो फोर्थ फॉर्म अप्लाई होगा इसमें। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें स्ट्रक्चर अफर्मेटिव ही सपोर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर क्या बताता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, पुतिन, PUTIN, पुतिन। दिस ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज आवर सब्जेक्ट पुतिन। अब पुतिन के साथ क्या लेना है हमें? विल, क्योंकि शैल किसके साथ सपोर्ट करते हैं? आई एंड वी के साथ। पुतिन विल, उसके बाद आपको सपोर्ट करना है बी, पुतिन विल बी। उसके बाद मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म। पढ़ रहे होंगे, रीडिंग, READING, पुतिन विल बी रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। हमने आपको यह भी डिस्कस किया था अपने पिछले एक वीडियो में, जो हमारी प्लेलिस्ट में है, कि किस कंडीशन में हम THE इस वर्ड को द साउंड देते हैं, द प्रोनंसिएशन देते हैं, और किस कंडीशन में इसको दी साउंड दिया जाता है। आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, द यूजेज ऑफ द। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस था, पुतिन अखबार पढ़ रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? पुतिन विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट किया। अब अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या होता? पुतिन अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हमें फॉलो करना है नेगेटिव स्ट्रक्चर। पुतिन सब्जेक्ट, विल नॉट, बाकी सेम, बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब सपोज ये सेंटेंस I1 है, यानी क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या पुतिन अखबार पढ़ रहे होंगे? तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या रहेगा? विल पुतिन बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी जो पार्ट हमने बॉक्स किया है वो सेम रहेगा। अब अगर ये स्टेटमेंट है I1N, यानी क्या भी आएगा स्टार्टिंग में और नहीं वर्ड भी आएगा मिडल में, क्या पुतिन अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इंग्लिश वर्जन क्या होगा? विल पुतिन नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब नेक्स्ट मोड है I2, I2 यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आएगा, पुतिन अखबार क्यों पढ़ रहे होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड, व्हाई विल पुतिन बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है I2N। तो आप बताएंगे I2N कौन सा पॉइंट है, इसमें क्या होता है? यस, सही बताया आपने, इसमें मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आएगा और नहीं भी आएगा। एग्जाम्पल, पुतिन अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, पुतिन अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है।
Why will Putin not be reading the newspaper? तो इस तरीके से हम बहुत easily translate कर सकते हैं. बस rules को एक बार revise करें और कुछ sentences जरूर आप try करके देखें. अगर किसी sentence में आपको कहीं कोई doubt है तो आप निसंकोच हमसे share कर सकते हैं. I'll help you. Okay? फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि इस टेंस के अंदर किस तरह के सेंटेंस आते हैं. इसमें फ्यूचर टेंस के अंदर एक्शन के फिनिश होने की फीलिंग आती है, यानी फ्यूचर के अंदर जो एक्शन है वो क्या हो चुका होगा, फिनिश. फॉर एग्जाम्पल, आप यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे, यानी उपन्यास पढ़ने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होगा. तो इसमें कंप्लीट होने की फीलिंग होती है एक्शन के साथ, लेकिन फ्यूचर में. तो सबसे पहले हमें अपने सेंटेंस को यह देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट क्या है, आप. यहां तुम भी हो सकता था, लेकिन बेटर वर्ड क्या है, आप. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यह उपन्यास. और इसमें वर्ब क्या है, पढ़ चुके होंगे. ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको लेना होता है. अब हमें इसकी ऑक्सिलरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इस टेंस के अंदर ऑक्सिलरी क्या है, विल, शैल. लेकिन आपको विल, शैल के साथ हैव का भी सपोर्ट करना है. विल, शैल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पिक करेंगे और उसके साथ आपको हैव सपोर्ट करना है. यहां पर ध्यान ये रखना है कि भूल कर भी आपको हैज का यूज नहीं करना है. कहीं आप सिंगुलर प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट में कनेक्ट हो जाएं और आप सोचें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लेना है और प्लूरल के साथ हैव लेना है. यहां ऐसा कुछ नहीं है. आप फ्यूचर में हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं. तो आपको सिर्फ हैव का यूज करना है किसी भी सेंटेंस में. एच ए एस, हैज नहीं, सिर्फ हैव का यूज करना है. बस आपको ये देखना है, आई एंड वी है सब्जेक्ट तो शैल सपोर्ट करना है, अदर्स के साथ आपको विल लेना है. मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म सपोर्ट करते हैं इसमें हम, थर्ड फॉर्म. अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं. तो जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव ही सपोर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें यू यानी आप. अब यू के साथ क्या सपोर्ट करना होगा, विल. क्योंकि हम शैल कहां सपोर्ट करते हैं, आई एंड वी के साथ. यू विल हैव. अब हमारा स्ट्रक्चर बताता है कि आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लीजिए. यू विल हैव, वर्ब क्या है, रीड, पढ़ चुके होंगे. रीड, रेड, रेड. यहां एक थोड़ा ट्विस्ट है और सभी व्यूअर्स और सारे स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दें. रीड का जो सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग स्ट्रक्चर तीनों का सेम है. आर ई ए डी यही फर्स्ट फॉर्म है, आर ई ए डी सेकंड फॉर्म, आर ई ए डी थर्ड फॉर्म. लेकिन प्रोनाउंसिएशन बेस पर थोड़ा चेंज है. फर्स्ट फॉर्म को आपको साउंड देना होता है रीड, सेकेंड फॉर्म को रेड और थर्ड फॉर्म को रेड. लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, आर ई ए डी. कहीं आप रेड का मतलब आर ई डी कर दें, आर ई डी रेड, वो एक अलग वर्ड है. तो रीड आर ई ए डी, रीड आर ई ए डी, रीड. स्पेलिंग बेस पर सेम है लेकिन साउंड बेस पर किस तरह से है, रीड रेड रेड. तो यहां पे साउंड दिया जाएगा रेड. यू विल हैव रेड, लिखा जाएगा रीड. यू विल हैव रेड. अब हम यहां पर हैं, इससे आगे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, यह है उपन्यास. यू विल हैव रेड दिस. उपन्यास के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, नोवल, एन ओ वी ई एल. ओके, यू विल हैव रेड दिस नोवल. आई होप ये बहुत सिंपल सेंटेंस था, आपको प्रॉपर समझ में आया होगा. अब अगर सब्जेक्ट होता है यहां पे हम यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता, वी शैल हैव रेड दिस
नोबल। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव था, इसलिए हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट किया। अब जरा देखते हैं, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, आप ये उपन्यास नहीं पढ़ चुके होंगे, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता, यू विल नॉट, बाकी सेटअप सेम, यू विल नॉट हैव रेड दिस नोवल। अगर ये स्टेटमेंट आई वन होता, यानी क्या आप यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता, विल यू हैव रेड दिस नोवल। अब अगर ये आई वन एन होता, क्या आप यह उपन्यास नहीं पढ़ चुके होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होना था, विल यू नॉट हैव रेड दिस नोवल। अब अगर ये स्टेटमेंट होता आई टू, तो इसका हिंदी वर्जन क्या होता, आप यह उपन्यास क्यों पढ़ चुके होंगे, हम कब भी ले सकते हैं, आप यह उपन्यास कब पढ़ चुके होंगे। ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जहां जो वर्ड सुटेबल हो आप वो क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया, आप यह उपन्यास क्यों पढ़ चुके होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूडब्ल्यू, यानी क्योंकि इंग्लिश आएगी, वाई विल यू हैव रेड दिस नोवल। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, आई टू एन, आई टू एन यानी जिसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी होगा, आप यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे, वाई विल यू नॉट हैव रेड दिस नोवल। तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये स्ट्रक्चर्स को एक बार सही से समझना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टॉपिक हो, जितने भी आप स्ट्रक्चर्स को स्टडी करोगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, अफर्मेटिव का। ये जो स्ट्रक्चर है रूट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी के डेरिवेटिव हैं, उसी से कनेक्टेड हैं। बस आपको ये देखना है कि क्या चेंज आता है, किस तरीके से क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा रिविजन करते समय कॉन्शियस रहेंगे, तो ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा। और एक बार अगर ये समझने लगे आप, तो बहुत इजी हो जाएगा। और कहीं कोई डाउट है तो हम हैं, आप शेयर करें, हम उस टॉपिक को रीडिस्कस करेंगे, उसको सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इस सीरीज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस टॉपिक के अंदर सेंटेंस किस तरह के होंगे, इसमें सेंटेंस आपको अगर हम टाइम हटा दें तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जैसा मिलेगा, राहुल ऑफिस जा रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा क्या यहां पे, रही होगी, आना क्या चाहिए था, रहा होगा। इस तरह की कंडीशन में जब कभी आपसे ऐसा होता है कि आपने ये वर्ड गलत लिखा है, कोई भी वर्ड, और उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपको उसका करेक्शन करना होता है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने देखा है उनकी नोटबुक चेक करते समय, सपोज करिए मैं आपको ये यहां करके दिखा रहा हूं, जा रहा होगा लिखना था और हमने बाय मिस्टेक लिख दिया जा रही होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब उन्हें ये वर्ड रॉन्ग है, इसको उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमने गलत लिख दिया, हमें लिखना था रहा होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और उसको वो हाइड कर रहे हो कि कोई देख ना ले। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी नोटबुक का जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो निगेटिव हो जाता है। मिस्टेक होना कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक को रिपीट करना बहुत बड़ी मिस्टेक है, और उसको इस तरीके से हाइड करना ये भी बिल्कुल गलत मेथड है। अगर कभी आपसे कोई वर्ड रॉन्ग हो जाता है तो आप क्या करें, ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप आंसर अटेंड कर रहे होते हैं अपनी आंसर कॉपी में, तो उस समय ध्यान रखनी है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। ये राइटिंग स्किल्स में आती हैं सारी बातें, और राइटिंग का एक बहुत जबरदस्त इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड पर पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है। कोई वर्ड रॉन्ग हो गया, नो इश्यू, आप क्या करें, अब मुझे करना था जा रहा होगा,
तो हम एक सिंगल लाइन से इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे इसको भी, और जो भी हमें राइट वर्ड लेना है वो हम यहां ले सकते हैं, रहा होगा, सिंपल। तो कभी भी आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप इस तरीके से, आपको हाइड नहीं करना है, इससे आपकी जो आंसर कॉपी है उसका इंप्रेशन भी डाउन होता है, प्लस टाइम और इंक की वेस्टेज भी होती है, तो आप इसको अवॉइड करें। अब चलिए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सेंटेंस अगर हम इसमें से ये टाइम हटा देते हैं तो क्या रहेगा, राहुल ऑफिस जा रहा होगा, तो आप किस टेंस में पहुंच जाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जैसे ही इसमें हम टाइम अटैच करते हैं तो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शिफ्ट हो जाता है। तो कोई भी टॉपिक हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो डिफरेंस है वो टाइम का है। अब देखते हैं इसमें एसवीओ, सब्जेक्ट क्या है, राहुल। अब इसमें वर्ब क्या है, जा रहा होगा, दिस इज वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ऑफिस। ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो स्टेप मिसिंग है आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको जंप कर देंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट पे आ गए। तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा टाइम है, टाइम फ्रेज, दो दिन से। इसमें वर्ब कौन सी आती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसमें, विल शैल। पूरे फ्यूचर के अंदर आपको विल शैल का ही यूज करना होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको विल शैल के साथ और क्या सपोर्ट करना है, हैव बीन। यहां भी ये ध्यान रखना है आपको कि गलती से भी आपको हैज का यूज नहीं करना है। कहीं आप सोचने लगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जाएगा, प्लूरल के साथ है, ऐसा नहीं है। विल सेल के साथ आपको, विल या सेल जो भी आपने पिक किया है उसके साथ आपको हैव बीन का ही सपोर्ट करना है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, राहुल दो दिन से ऑफिस जा रहा होगा। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो हमें इसमें सपोर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट राहुल, आर ए एच यू एल, राहुल। उसके बाद राहुल के साथ क्या लेना है आपको, विल। राहुल विल हैव बीन, एच ए वी ई हैव, बी डबल ई एन, बीन। राहुल विल हैव बीन, उसके बाद एम वी फोर्थ, जा रहा होगा। राहुल विल हैव बीन गोइंग, राहुल विल हैव बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्या आएगा फिर, कॉम्प्लीमेंट। राहुल विल हैव बीन गोइंग, कॉम्प्लीमेंट इसमें ऑफिस है, लेकिन उससे पहले हमें प्रीपोजिशन सपोर्ट करना है टू। राहुल विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस। अभी हम सेंटेंस यहां तक डेवलप कर चुके हैं, अब क्या लेना है हमें, सिंस फॉर, दो दिन से। तो क्या लेना है आपको, फॉर टाइम दो दिन, टी डब्ल्यू ओ टू डेज। इस तरीके से आप ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव था तो हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट किया। अब बाई चांस ये नेगेटिव होता, राहुल दो दिन से ऑफिस नहीं जा रहा होगा, तो हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट करना था, राहुल विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर टूडेज। आई वन सेंटेंस होता अगर, क्या राहुल दो दिन से ऑफिस जा रहा होगा, विल राहुल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर टूडेज। आई वन एन, क्या राहुल दो दिन से ऑफिस नहीं जा रहा होगा, विल राहुल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर टू डेज। अब आएगा आई टू, आई टू मतलब जिन सेंटेंसेस के मिडल में क्वेश्चन वर्ड आता है,
राहुल 2 दिन से ऑफिस क्यों जा रहा होगा? Why will Rahul have been going to office for 2 days? अब लास्ट है इसमें आई टू एन. फॉर एग्जाम्पल, राहुल 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा होगा? तो आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है. Why will Rahul not have been going to office for 2 days? तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने आपको इस पूरी सीरीज के अंदर शेयर किए हैं 4, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर शेयर किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप नोट डाउन जरूर करें और इन स्ट्रक्चर्स में जहां भी कोई क्वेरी हो आप उसको डिस्कस करेंगे और कुछ सेंटेंसेज आप अपनी तरफ से भी प्ले करके देखेंगे, जिससे कि ये आप कंफर्म कर पाए कि हम इनको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं. कोई कितनी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एप्लीकेशन मोड में नहीं आते हैं जब तक, तब तक आप उसका रियल एडवांटेज यानी पूरा फायदा नहीं उठा सकते. तो थोड़ा अप्लाई करना है आपको. और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है जिसमें आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसको शेयर करिएगा. ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ही सेंटेंस को, फ्यूचर के जो 4 सब टेंसेज हमने किए हैं, उस एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग सब टेंस में प्ले करके दिखाते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, सर हमें पढ़ाएंगे. वेरी सिंपल सेंटेंस. ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और मोड क्या है? अफर्मेटिव. सर हमें पढ़ाएंगे. इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर. वर्ब क्या है? पढ़ाएंगे. ऑब्जेक्ट क्या है? हमें. अपना एसओवी कंफर्म करने के बाद अब हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सर, और सर के साथ हमें क्या लेना है? शैल या विल? यस, राइट, हमें इसमें सपोर्ट करना है विल, क्योंकि आई एंड वी के साथ ही हमको शैल सपोर्ट करना होता है. सर विल टीच, टीई ए सी एच अस, फुल स्टॉप. सर विल टीचर्स. अब हम इसी सेंटेंस को, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में था, अब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट से हम लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, लेकिन मोड सेम रखना है, अफर्मेटिव. अब क्या हो गया ये सेंटेंस? जब यही सेंटेंस सर हमें पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट से आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो ये क्या हो जाता है? सर हमें पढ़ा रहे होंगे. अब यहां जो हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का करना है. तो क्या होगा? सर विल बी टीचिंग, टीई ए सी एच आई एन जी, टीचिंग अस. सर विल बी टीचिंग अस. अब इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट में शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? सर हमें पढ़ा चुके होंगे. इसका इंग्लिश वर्जन, सर विल हैव, और टीच का अब कौन सा फॉर्म लेना है आपको? थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? टॉट, टी ए यू जी एच टी. सर विल हैव टॉट अस. सर विल हैव टॉट अस. अब आपको इसी हिंदी सेंटेंस को शिफ्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही अफर्मेटिव मोड. तो एक बार फिर से देखिए, इंडेफिनिट में क्या था? सर हमें पढ़ाएंगे. कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया? सर हमें पढ़ा रहे होंगे. अब ये फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है? सर हमें पढ़ा चुके होंगे. ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, सर ने हमें पढ़ा दिया होगा. दोनों ही सेंटेंस सेम है सेंस की दृष्टि से, सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका इंग्लिश वर्जन भी सेम रहेगा.
और यही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया, सर हमें एक घंटे से पढ़ा रहे होंगे। अब हम इसको यहां ट्रांसलेट करते हैं, सर विल हैव बीन, सर विल हैव बीन, बी ई ई एन, सर विल हैव बीन टीचिंग, टी ई ए सी एच आई एन जी, सर विल हैव बीन टीचिंग अस, और उसके बाद फॉर, और फिर क्या देना है हमें टाइम, एक घंटे से, फॉर वन आवर, ओ एन ई वन आर एच ओ यू आर। यहां पे ये जो वर्ड है एच ओ यू आर, इसमें एच क्या है, म्यूट। तो फ्रेंड्स ऐसे भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में बहुत सारे जिसमें जो लेटर लिखा जा रहा है कई बार वो म्यूट हो जाता है, उसका साउंड नहीं आता प्रोनंसिएशन में। तो जिन लेटर्स को हम स्पेलिंग स्ट्रक्चर में तो ले रहे होते हैं लेकिन प्रोनंसिएशन में नहीं ले रहे होते हैं उस वर्ड की, ऐसे लेटर्स को कहा जाता है म्यूट लेटर्स। और म्यूट लेटर्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है साइलेंट लेटर्स। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंदर कुछ लेटर्स क्या रहते हैं, म्यूट। तो ये जो वर्ड था आर, इसके अंदर एच क्या है, म्यूट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर विल टीच अस, सर विल बी टीचिंग अस, और फ्यूचर परफेक्ट में सर विल हैव टॉट अस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, सर विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर वन आवर। तो आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा वर्ड्स का, किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो क्या क्या तब्दीली होती है, तो इसको अगर आप एक बार अच्छे से देखेंगे वीडियो को, और अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में उनको आप अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाने वाली है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस आप अपना कंसंट्रेशन पूरा दीजिए, और ये मैं फिर से कहना चाहूंगा आपके जो भी फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल का लिंक उन तक भेजें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी लेसन में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते थे या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम उस पर 100% फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, सब अच्छा होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।